एक्सरसाइज 11G स्टार्ट कर रहे हैं। सो 11G अभी तक क्या था, आपको इक्वेशन दिया हुआ था, आपको एक्स फाइंड करना था, लेकिन अब क्या है, अब आपको खुद इक्वेशन बनाना है और एक्स फाइंड करना है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। थ्राइज अ नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 4 गिव्स दिस। देखिए, थ्राइज ट्वाइस, थ्राइज मतलब 3, ट्वाइस मतलब 2। ठीक है, सो सबसे पहले स्टार्ट कैसे करेंगे, लेट द नंबर बी एक्स। थ्राइज द नंबर मतलब कि 3x व्हेन इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड मतलब प्लस, बाय 4 गिव्स 43। ठीक है, सो 3x इज इक्वल टू 43 माइनस 4, सो 3x इज इक्वल टू 39, सो x इक्वल्स टू 13। ओके, सो नंबर इज 13। ट्वाइज अ नंबर डिक्रीज बाय 8 गिव्स 50। ट्वाइज अ नंबर, सो सबसे पहले लेट द नंबर बी एक्स। ओके, सो ट्वाइज द नंबर मतलब 2x, डिक्रीज्ड मतलब माइनस, बाय 8 गिव्स 50, 50 सॉरी 50, 50। ओके ओके, सो 50 50, सो 2x इज इक्वल टू 50 प्लस 8, सो 2x इज इक्वल टू 58, सो x इज इक्वल टू 29। फाइंड अ नंबर विच व्हेन एडेड टू इट्स हाफ गिव्स 42। देखिए, सो लेट द नंबर बी एक्स, तो उसका हाफ क्या होगा, एक्स बाई टू। तो नंबर एडेड टू इट्स हाफ, डेट इज एक्स प्लस एक्स बाई टू गिव्स वॉट, 42। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जो है वो एलसीएम ले लो। सो 3x, 2x प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 42। तो ये क्या होगा, 3x बाई टू इज इक्वल टू 42। अब 2 को इधर निकालो तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 2 ऑन बोथ द साइड्स, सो 42 इंटू 2, सो ये 2 2 कैंसिल हुआ, सो 3x इज इक्वल टू 42 इंटू 2, वो होगा 84, राइट। फिर डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स, सो 3x बाय 3 इज इक्वल टू 84 बाय 3। सो यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल हुए, सो x इज इक्वल टू क्या होगा ये, 3 टू जा 6, 3 एट जा, सो x इक्वल्स टू 28 इज द नंबर। अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 4 x इज इटसेल्फ बाय 36। देखिए, सबसे पहले लेट द नंबर बी x, सो अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 4, सो 4x x इज इटसेल्फ बाय 36। ठीक है, सो 4x माइनस x, सॉरी यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। ओके ओके, तो सब्ट्रैक्टिंग x ऑन बोथ द साइड, सो 4x माइनस x इज इक्वल टू x प्लस 36 माइनस x, ये कैंसिल हो गया, ये 3x हुआ, ये 36। सो डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आएगा, 3x बाय 3 इज इक्वल टू 36 बाय 3, 3 3 कैंसिल, सो x इक्वल्स टू 12 इज द नंबर। इफ 12 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7 टाइम्स अ नंबर, देखिए लेट द नंबर बी एक्स, इफ 12 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7 टाइम्स अ नंबर, मतलब कि 7x माइनस 12 इज इक्वल टू 5 टाइम्स द सम ऑफ नंबर एंड 2, फाइंड द नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 5x ऑन बोथ साइड्स, पहले x x साथ में लेके आओ,
So 7x minus 12 minus 5x is equal to 5x plus 12 minus 5x. 5x 5x कैंसिल हो गया. यहाँ पे 2x minus 12 is equal to 10. Now adding 12 on both sides. ठीक है, तो क्या होगा, देखिए 2x minus 12 plus 12 is equal to 10 plus 12. सो 2x ये कैंसिल हो गया इज इक्वल टू 22. नाउ डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, सो 2x बाई 2 इज इक्वल टू 22 बाई 2. ये 2 2 कैंसिल हो गया, सो x इज इक्वल टू 11 एंड द 11 इज योर नंबर. वन थर्ड ऑफ अ नंबर एक्सीड्स वन फिफ्थ ऑफ इटसेल्फ बाय 4. वन थर्ड ऑफ अ नंबर मतलब कि सपोज लेट नंबर बी एक्स, वन थर्ड मतलब 1/3 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई एक्स एक्सिड्स वन फिफ्थ ऑफ अ नंबर बाय इटसेल्फ. वन फिफ्थ ऑफ अ नंबर बाय 4. फाइंड अ नंबर. ठीक है, तो ये देखिए क्या होगा, x बाई 3 इज इक्वल टू x बाई 5 प्लस 4. सब्ट्रैक्टिंग x बाई 5 ऑन बोथ साइड्स, सो x बाई 3 माइनस x बाई 5 इज इक्वल टू x बाई 5 प्लस 4 माइनस x बाई 5. तो ये पूरा कैंसिल हो गया. ये क्या होगा, 5x माइनस 3x होल अपॉन 15 इज इक्वल टू 4. सो ये 2x अपॉन 15 इज इक्वल टू 4. सो मल्टीप्लाइंग 15 ऑन बोथ साइड्स, सो 2x अपॉन 15 इंटू 15 इज इक्वल टू 4 इंटू 15. 15 15 कैंसल, सो 2x इज इक्वल टू व्हाट, 60. ओके, सो अब क्या होगा, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, तो 2x बाय 2 इज इक्वल टू 60 बाय 2. सो x इज इक्वल टू व्हाट, 30 एंड द नंबर इज 30. सो लेट द नंबर बी x एंड द अनदर नंबर बी 5x बाय 8 एंड द सम इज x प्लस 5x बाय 8 इज इक्वल टू व्हाट, 104. सो 8x प्लस 5x अपॉन 8 इज इक्वल टू 104. ये क्या होगा, 13x डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 104. अब मल्टीप्लाइंग 8 ऑन बोथ द साइड्स, 104 इंटू 8 ये कैंसिल, सो 13x इज इक्वल टू, ये ऐसे ही रखो. ओके, नाउ डिवाइडिंग 13 ऑन बोथ साइड्स, सो क्या होगा, 13x डिवाइड बाय 13 इज इक्वल टू 104 इंटू 8 डिवाइड बाय 13. ये 13 और ये 13 तो कैंसिल हो गए. 104 डिवाइड बाय 13 गिव्स 13 एट जा, सो एक्स इज इक्वल टू ये 8 एंड दिस इज 64. ओके, फाइंड द नंबर. सो नंबर इज 64. और अगर आपको दूसरा नंबर, वन नंबर इज 64, अनदर नंबर इज 5x बाय 8, सो इट इज नथिंग बट 5 इंटू 64 डिवाइड बाय 8. सो 8 एट जा, सो इट इज 40. सो वन नंबर इज दिस एंड वन थर्ड ऑफ अ नंबर व्हेन डिक्रीज बाय 2 इक्वल्स वन फिफ्थ ऑफ अ नंबर इंक्रीज बाय 8. फाइंड द नंबर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द नंबर बी एक्स. वन थर्ड मतलब 1/3 ऑफ मतलब एक्स, व्हेन डिक्रीज मतलब माइनस 2 इक्वल्स मतलब वन फिफ्थ मतलब 1/5 ऑफ अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय एक्स इंक्रीज बाय 8. ठीक है, सिंपल. सो क्या होगा, देखिए ये एक्स बाई 3 माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स बाई 5 प्लस 8.
So subtracting x by 5 on both sides. So x by 3 minus 2 minus x by 5 equals to x by 5 plus 8 minus x by 5. तो ये तो cancel हो गया, ठीक है. तो मैं सिर्फ ये दोनों को अभी प्लस करूँगी. सो ये होगा 5x माइनस 3x अपॉन 15 माइनस 2 इज इक्वल टू 8. अब क्या होगा, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स. सो ये 2x बाय 15 माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 प्लस 2. तो ये कैंसिल हो गया. सो 2x बाय 15 इज इक्वल टू 10 हो गया, राइट. सो अब क्या होगा, देखिए मल्टीप्लाइंग 15 ऑन बोथ साइड्स. सो इट्स 2x अपॉन 15 इनटू 15 इज इक्वल टू 10 इनटू 15. ये 15 15 कैंसिल हो गया. सो 2x इज इक्वल टू 10 इनटू 15, इसको रखो ऐसे ही रखो. सो डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स. So it is nothing but 2x by 2 is equal to 10 by 2 into 15. So ये फाइजा हो गया, ये कैंसिल हो गया. So x is equal to nothing but 75 and hence our number is 75. Question number 9. Find two consecutive numbers whose sum is 53. देखो सिर्फ consecutive बोला है, ना odd, ना even, ऐसा कुछ नहीं बोला है. तो टू लेट टू कंसेक्यूटिव नंबर्स. कंसेक्यूटिव मतलब क्या, कि दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस सेम आना चाहिए, मतलब 1, 2, 3, 4, इसको क्या बोलते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं, राइट. सो लेट टू कंसेक्यूटिव नंबर्स बी एक्स एंड एक्स प्लस 1, ठीक है. हुज सम इज दिस, मतलब कि एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट, 53. तो ये क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 53, राइट. तो अब क्या होगा, सब्ट्रैक्टिंग 1 ऑन बोथ साइड्स. सो इट्स 2x प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 53 माइनस 1. सो इट्स 2x इज इक्वल टू व्हाट, 52. उसके बाद क्या होगा, इट्स डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स. सो इट्स नथिंग बट 2x by 2 is equal to 52 by 2. ये कैंसिल हो गया. x is equal to what? 2 2 जा 4 6. फाइन. सो एक ये है और एक दूसरा नंबर क्या होगा, 26 plus 1 is equal to 27. Hence the numbers are 26 and 27 respectively. मतलब कि दो consecutive numbers ऐसे ही आएंगे answers. राइट. सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.